बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 179। अदर्स साबी वल शुरूना 27th लेसन स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर्स साबी वल शुरूना 27th लेसन। अल मुदर्रिस मता जीता मता जीता मिन मिन जुद जुद्दतुन जुद्दता जुद्दता तो मता जीता मिन जुद्दता या खालिदु। सो व्हेन डिड यू कम फ्रॉम जीता? यस, व्हेन डू यू खालिद कम फ्रॉम जीता? ओके, खालिद जीता अम्स जीतू अम्स आई केम यस्टरडे। अल मुदर्रिस जा इब्राहीम माका, डिड इब्राहीम कम विथ यू? ला लम लम यजी बादू तो नो ही डिडंट come yet, right? Correct. He didn't come yet. Sayaji'u ul yawma aw ghadan inshallah. He will come today or tomorrow inshallah. Okay. Al mudarris zurta safir safira zurta safir. Did you meet the ambassador? Did you visit the ambassador? Did you visit the ambassador? Khalid zahaba ila maktab ila maktabihi. Yes, zahabtu. Okay, zahabtu. ذهبت إلى مكتبه ولم أجده. I went to the to his office. I went to his office. ولم أجده. I did not find him. And I did not find him. Okay. Samitu annahu lam yakun fi juddata zalika al-yawma. I heard annahu that he lam yakun, that he went. He was not. Okay, that he was not in Jeddah that day. Al-Mudarris, ya Adnan, innaka ghib ta asbu aini. Usbu aini. إِنَّكَ غِبْتُ غِبْتَ أُسْبُعَيْنِ غِبْتَ أُسْبُعَيْنِ فَأَيْنِ كُنْتَ فَأَيْنَ كُنْتَ أَيْنَ كُنْتَ يَا عَدْنَان أُوْ عَدْنَان You were absent. إِنَّكَ غِبْتَ You were absent usbu'aini for 2 weeks. Fa aina kunta, where were you? So where were you? So what is kunta? Kunta, you were. Aina, where. Kunta ka matlab hai tum kaha. तुम थे यानी कुंत का मतलब होता है तुम थे।
So English word where? You were. W E R E were. You were or sirf were? देखिए काना का मतलब क्या होता है, वाज, ये मतलब आपने सीखा था ना। हाँ तो अब ये काना की फॉर्म है, काना, कुंता, कुंती, कुंतुम, कुंता। तो इस कुंता का मतलब है यू वर, तुम थे, कुंतु आई वाज, मैं था। और यकुन क्या है? यकुनु वो इसी का मुजारे है, he is, takunu is, काना से, हाँ काना यकून, ये सब काना की गर्दान है। अदनान, कुंतु फिल मुस्तशफा, I was in hospital, कुंतु मरीजन जिद्दन, I was very sick, वल्लाही लखद कित जो है ना ये आखिरी वाला ग्रामर का पांचवा देखता हूँ। हाँ ये नंबर टू पॉइंट से आप शुरू कर लें, यहाँ से पढ़ें। वल्लाही लखद कितु अमूतु बयल्ला आई ऑलमोस्ट डाइड आफ्टर अ कसम ओथ द अफर्मेटिव मादी शुड बी एम्फसाइज्ड विद लखद ओके द नेगेटिव मादी नीड्स नो एम्फसिस हियर आर सम एग्जांपल्स वल्लाही लखद रायतुहु بالسوخي by Allah I saw him in the market والله لقد سمعت هذا الخبر من كثير من الناس by Allah I heard this news from many people but والله ما أكلت شيئا by Allah I ate nothing والله ما كنت هذا Ma katabtu haza. By Allah, I did not write this. Wallahi, note that the vow in Wallahi is a preposition and so the following noun is majroor. So, vow, वैसे vow huruf jar नहीं होता है, बस इसमें vow होता है, अल्लाह होता है। ये vow की एक और किस्म है, इसको हम vow jar कहते हैं। इसके अलावा एक vow madda भी होता है। तीन types आप अभी तक पढ़ चुकी हैं vow की। ये जो है, ये तीसरी type है, okay? वाव मद्दा है और ये वाव है जो ओत के साथ होता है और एक दूसरा एक वाव अतफ है जो सिंपल वाव कह सकती हैं सादा वाव और इसमें हमने एंड इसका मतलब नहीं करना ये जो वाव हरफे जर है ना इसमें हमने इसका वाव का मतलब एंड नहीं करना ओके कसम के लिए हमने इस्तेमाल करना है और जो वैसे वाव जो सिंपल वाव है तो वो भी प्रपोजिशन वाव ही है नहीं वो प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन नहीं है ये जबकि प्रपोजिशन है जब वाव अच्छा। को आप कसम के लिए इस्तेमाल करेंगी तो ये प्रपोजिशन होगा जब वाव को सिंपल इस्तेमाल करेंगी फिर इसका मतलब एंड होगा अच्छा लेकिन वो वाव जो एंड का वाव है वो प्रपोजिशन में नहीं आता नहीं आता वो प्रपोजिशन नहीं है अच्छा बाकी वो हर्फ है सॉरी वो हर्फ की कैटेगरी में आता है हर्फ जर नहीं है लेकिन जनन तुहु दफ्तरी आई थॉट इट टू बी माय बुक द वर्ब जन्ना टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड बोथ आर इन द एक्यूजेटिव केस एग्जांपल अल जहु Jamilun, the weather is fine. Azannul Jawa Jamilan, I think that the weather is fine. Al-Babu Maghlukun, the door is closed. Azunnu Al-Baba Mughlakhan, I think that the door is closed. Al-Imtihanu.
Al-imtihanu baidun, the examination is far. Azunnul imtihana baidun, I think that the exam is far. Anta tabibun, you are a doctor. Azannuka tabibun, I think you are a doctor. We can also say al-jawu jamilun. Azunnu annal jawa jamilun. तो यहाँ पे जमील लन नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अन्ना की जो खबर होती है वो मरफू होती है, ये हमने अन्ना के रोज में पढ़ा था। अन्ना का इसम मंसूब होता है और अन्ना की खबर मरफू होती है। अजन्नु अल जवु जमीलन, अजन्नु अन्ना अन्ना अल जवा जमीलन, I think that the weather is beautiful. अरबिक में जो प्रोनाउन और प्रेपोजिशन ये सब हर्फ में आते ना, जो भी फेल और इसम नहीं है वो पूरे हर्फ ही है। जो प्रोनाउन है वो इसम की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ही शी पूरा ये, बिल्कुल वो इसम की वो कैटेगरी में आते हैं। और ये जो फी वगैरह है वो भी इसम में, ये फी हर्फ है, जो फी लफ्ज है ये हर्फ की कैटेगरी में है, अनहर्फ की कैटेगरी में है, हाजा हर्फ की कैटेगरी में है, हाज ही भी हर्फ की कैटेगरी में है। हाजी ही मतलब प्रपोजिशन ही है ना, हाजी ही भी हर्फ है प्रपोजिशन। लेकिन प्रेपोजिशन नहीं है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है हर्फ जर, ठीक है? तो ये अच्छा हर्फ की एक कैटेगरी है, हर्फ की एक किस्म है, ठीक। डिफरेंट चीज है। इजलिस हाई सु तशाउ, सिट वेयर यू विश। ठीक है, लेसन पे आ जाएं। तो आवाज नहीं आ रही। वल्लाही लखद कितु अमूतु, ओ बाय अल्लाह आई ऑलमोस्ट डाइड। المدرس والله आवाज المدرس कट रही है। اوكي والله لقد كنت आवाज اموت। आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही। ठीक है, ये जो मुदर्रिस वाली लाइन है यहाँ से दोबारा पढ़ें। वल्लाही मा अरफ्तु ज़ालिका, वल्लाही मा अरफ्तु ज़ालिक, वल्लाही बाय अल्लाह आई डिड नॉट नो दैट। लम यखुल ली अहदु إنك مريض وإنك في المستشفى كيف حالك الآن؟ لم يقل why you didn't tell me. नो नो, यकौला यकूलू, यकूलू का मतलब होता है ही सेइंग। अब यकूलू में से वाव को हमने लम की वजह से डिलीट कर दिया तो पीछे बचा यकुल। लम यकुल नो वन से, नो वन सेड, और ली का मतलब है टू मी, नो वन सेड टू मी। लम यकुल ली नो वन सेड टू मी। आहदुन का मतलब है वन, नो बॉडी सेड टू मी। Okay, nobody said to me that innaka that you were sick, wa innaka and you were in the hospital. Kaifa haluka al-ana, how are you now? La'allaka al-ana ahsanu, la'allaka al-ana, la'alla is I hope, umeed hai. I hope, okay. I hope that you are good now. Okay.
Adnan, Alhamdulillah, and Al-Ana Ahsanu. So praise be to Allah, I am good now. I am better now. جو آسنو آپ نے پڑھا تھا اس میں تفصیل ہے افعلو کا پیٹرن ہے تو یہ گڈ کی کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے گڈ بیٹر گڈ بیٹر بیسٹ آئی ایم بیٹر ناؤ ولکننی لا ازالو ضعیفاً ولکننی بٹ آئی ہوپ دیٹ آئی بٹ آئی ولکننی بٹ آئی لا زالو کا مطلب ہے اسٹل لا زالو کا مطلب ہے اسٹل بٹ آئی ایم اسٹل ویک Oh, but I am still weak. Okay. Al-Mudarris, Shafa Kalla, Shafa An Kamilan. Shafa, may Allah grant you Shafa, complete health. Okay. Ya Usmanu, oh Usman, innaka tagibu kasiran. Indeed, you do many absentees. Tum bahut zyada gair haziyan karte ho. Indeed, tagibu is you do many absentees. Okay. Ghibtu. Ghibta. Ghibta. يومين في هذا الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. Okay, so if you were absent 2 days in this week and 3 days in last week, la yanbaghi, what is la yanbaghi? It is not appropriate, it is not proper. Okay, it's not proper. لطالبتن فار دا اسٹوڈنٹس ان ٹو یغیبا کثیرن ٹو بی ایبسنٹ الاٹ ٹو بی ایبسنٹ الاٹ ایک دو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا وہ کہ تجوید کے ٹیچر کے بارے میں تو میں نے آپ دونوں کو لنک بھیجا تھا ایک ویب سائٹ کا آپ نے کوئی کلاسیں تو لی تھی بھی نہیں لی تھی پھر فالو اپ نہیں کیا ہم نے اچھا ویسے بھی کہیں سے تجوید کی کلاسیں نہیں لی میں تو لے رہی ہوں وہ جو سیٹرڈے جاتی ہوں تو اس میں تجوید اور تفسیر کی کلاس ٹھیک ہے لیڈیز کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا میں گیا تھا میں چند دن امام کے ساتھ رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے ایون دو رولز نہیں پتا لیکن جو ہے مجھے میری تجوید بہت دور تک وہ کہہ رہے تھے صحیح ہے شاید آپ نے جو سن کے سیکھ لیا آٹومیٹکلی بالکل اگر آپ کو پورے رولز ان ڈیپتھ چاہیے تو پھر آپ لے سکتے ہیں ورنہ جو ہے بس پریکٹس سے جو قرآن یہ ہوگا نا کہ جب ابھی آپ کی بچیاں بھی سیکھیں گی نا دونوں وہ جب سیکھ رہی ہوں تو بندہ پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس ٹائم میں بندے کو سن کر کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے رولز وغیرہ کا کیونکہ آپ کو آتا تو ماشاء اللہ سے دونوں کو ہے ہی بس رولز آپ کو ایک قسم کا علیحدہ سے چاہتے ہیں کہ وہ یاد ہو جائے تو وہ بھی ان شاء اللہ ہو جائے گا خیر اوکے نیکسٹ عثمان لم اغب ثلاثة أيام
fil uzbu il mazi kama khul kama khultu khulta kama khulta. So lam aghib thalasa, I was not absent for 3 days in this week, in the past week, like you said. Correct. Innama innama ghibtu yawman wahidan fakhad. Innama is indeed only. Innama sirf. Only. Only I was absent for 1 day only. Okay. Innama bhi only aur fakhad bhi only. Bilkul, taqeed ke liye unhone do da istemal kiya. Al mudarris la takzib ya akhi, don't lie oh my brother. Okay. Don't lie oh my brother. Innaka I need you were absent. Innaka ghibta yawma sabti wa yawma thulas e wa yawma arbi e. So innaka indeed you were absent yawma sabti on Saturday yawma thulati thulasai Wednesday and wa yawma arbi Thursday. Cousin, Yom was Sulasa Tuesday, Yom will not be a Wednesday. Tuesday and Wednesday. Usman, Ana Asif, Ana Asifu, Ya Ustazu. Ya Alif Kipur Madda ka sign hai, Asifu. Ana Asifu, Ya Ustazu, I'm sorry, teacher. Lan aghiba fil mustaqbal inshallah. I will not be absent in the future inshallah. Al mudarris kum ya adamu atanamu fil fasli. Kum ya adamu stand. Oh Adam. Correct. Atanamu fil fasli atanamu is are you sleeping? Okay. Are you sleeping in the class? Adam ana asif, I am sorry. Ana asif or asif? Asifun. Okay. Ana asifun ya ustazu, I am sorry oh teacher. Galabani naumu li annani ma nimtul bari hatta. So galabani is overcame me. Yes. Oh. And now sleep overcame me. Li annani is because I ma nimtu, I did not sleep al bi vira ita al barihata. Yes, al barihata is last night. Okay. I did not sleep last night. Okay. Al mudarris lam tanam lima lam tanam, why you didn't sleep? Adam kana bi sudaun shadidun falam anam bi sababihi kana kana bi sudaun. There was with me. I was in severe headache.
सुबह ओके ओके आई वॉज इन सीवियर हेड एक फलम सो आई डिड नॉट स्लीप बी सबबी ही बिकॉज ऑफ इट आई डिड नॉट स्लीप अनम इज स्लीप यस अनम आई स्लीप यरिनुल जरसो हुमुल मुदर्रिस यरिनु रिंग्स The doorbell rings. Okay. Door का जिक्र नहीं है सिर्फ bell. Bell rings. Okay. The bell rings, and Fayakumar Mudaris is the teacher stands up. Yes. So the teacher stands. So the teacher stands. Saying, "Ya Ustaz, ana uridu an." أزورك اليوم بعد صلاة العصر. Oh teacher, Anna, I want to أزورك to visit your to visit you today after صلاة العصر. زرتي غدا. Visit me tomorrow. فإنني مشغول Alyoma. Finally, because I am busy today. As I am busy today. Tamarin exercises Ajib Anil Asilati Latiya. Answer to the following questions. Kam Uzbuan Ghaba Adnano. For how many weeks was Adnan absent? Ghaba Adnano. Adnan was absent for 2 weeks. So if I use this as this was Jumla failure, if I use this as Jumla Ismiya, then Adnanu. Same thing. Adnanu Ghab Usbu'ayni. बस नाम आगे पीछे हो जाएगा ओके तो माजी के लिए चेंज नहीं होता मुजारे के लिए चेंज होता है कि नहीं होता क्या मतलब रेफरेंस करेंगे इज देयर एनी डिफरेंस व्हेन वी डू इसमें जुमले इसमें और जुमले फेल या वो जमा के लिए होता है वो जमा के लिए फेल चेंज होता है ये वाहिद है तो चेंज नहीं होगा तो गाबा अदनानु Fi usbu'aini or no, not for 2 weeks, right? Ala usbu'aini or just usbu'aini? यहाँ पे जो हर्फ़े जर ली है उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कोई इशू नहीं है दो ऑप्शन है आप कह सकते हैं गाबा नानु उसबुआइनी और आप यूं भी कह सकते हैं गाबा नानु ली उसबुआइनी ठीक है लेकिन ज़रूरत नहीं है इतनी लगाना चाहें तो लगा लें कोई मसला नहीं Lima kan Adnan ghaiban. Why was Adnan absent? Li annahu fil mustashfa. Or li anna Adnanu fil mustashfa. Wa kana maridan jiddan. وَقَانَهُ مَرِيدًا هُوَ مَرِيدًا جِدًّا اور وَقَانَهُ مَرِيدًا جِدًّا ٹھیک ہو گیا ایسے یوں بھی کہہ سکتے تھے قَانَ عَدْنَانُ غَائِبًا عَدْنَانُ was absent لِأَنَّهُ مَرِيدٌ اور لِأَنَّهُ قَانَ مَرِيدًا جِدًّا لِأَنَّهُ قَانَ مَرِيدًا جِدًّا because he was very sick Next, Raji. Kam yawman aghaba Usmanu fil usbu'aini. How many days was Usman absent in 2 weeks? 2 weeks. Okay, so Usmanu
गिप्टू का मतलब है आई वाज एब्सेंट. ओके सो उस्मानू रिबा रिबा रे ये लिखा हुआ है सवाल में लिखा हुआ है गाबा. ओके उस्मानू गाबा यौमैनी फिल हाजल उज़बुई दो हफ्ते में पहले हफ्ते में मेरे यहाँ से 3 दिन और अगले हफ्ते में 2 दिन तो टोटल हो गया 5 दिन. 5 दिन के हिसाब से जवाब दें. उस्मान गाबा खम्सा यौमिन फिल उस्बुइन. ओके उस्मान गाबा या गाबा उस्मान खम्सता अय्यामिन 3 से लेकर 10 तक जो मौजूद होते हैं वो प्लूरल होता है तो यौम की जमा अय्याम मुजाफ मुजाफ इलैह खम्सता अय्यामिन फिल उस्बुआइनी. ओके खम्सता नेक्स्ट लिमा लम जन्म तो आदम व्हाई डिड आदम didn't sleep because he had a headache. Okay. Yannani apne liye hota hai. Humne uski baat karni hai. Why did Adam sleep, right? Why was Adam sleeping? Or? No. Why? Lima, why? Lam ka matlab hai not in the past tense. Yannam sleep. Why did not Adam sleep? لأنه صداع شديد اس میں پاش کا ذکر نہیں مل رہا مجھے کہیں بھی اور یہ بھی نہیں بیکاز ہی اوکے سو لأنه کان کان یس لأنه کان Be he sudaun. He was in severe headache. So he was kya ho jata hai? Liannahu kana bhi hi. Aur phir jab bhi hi. Bhi hi sudaun. Shadidun. Kana bhi hi. Agar kana bhi bol to I ho jayega. Yes, BF, I ho jayega. لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ كَانَ بِهِ سُدَاعٌ شَدِيدٌ. ٹھیک ہو گیا. Because he had severe headache. ٹھیک ہو گیا. جو کانا کے بعد بھی بھی آنا ضروری ہے. بالکل بھی ہم نے یہ شو کرنے کے لیے ڈالا کہ وہ بندہ تھا اس میں اس حالت میں تھا تو یہ جو لفظ میں ہے نا میں اس کو شو کرنے کے لیے بی کا استعمال کیا ہم نے ٹھیک ہے یہ جب میں کہتا ہوں وہ اس حالت میں تھا یعنی کہ شدید سر درد کی حالت میں تھا تو یہ جو لفظ میں ہے اس کے لیے ہم نے بی استعمال کیا ہے معطل العین معطل العین کون سا فعل ہوتا ہے کچھ یا پتہ نہیں پتا معطل العین دیکھیں سکرین پہ دیکھیں پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ عربی زیادہ میجورٹی فعل ہیں وہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے لیٹرز کو ہم فا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرے کو عین سے اور تیسرے کو لام سے ٹھیک ہے جیسے ذہابا ٹھیک ہے رجا تو اس میں جو یہ جو پہلا لیٹر ہے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ جو فا کے برابر ہے دوسرا جو لیٹر ہے عین کے برابر ہے اور تیسرا لیٹر لام کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا اب معطل العین کا مطلب وہ ہے کہ عین پہ کون سا لیٹر ہو
वाओ या अलिफ, तीन लेटर, अलिफ वाओ या, ऐसा जो भी फेल जिसकी इस आइन वाली जगह पर या तो अलिफ हो या वाओ हो या हो, तो उसको हम कहेंगे मुअत्तलुल आइन। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं फेल फेल अल मुअत्तलिल आइन कौन सा फेल होता है तो जिस पर जो है अलिफ या जिसकी, हाँ जिसकी आइन की जगह, जिसकी आइन की जगह क्या हो, आइन की जगह अलिफ वाओ या, तीन लेटर्स कौन से, अलिफ वाओ या हो, उसको मुअत्तलिल आइन कहते हैं। ओके, दोबारा बताएं फेल मुअत्तलिल आइन कौन सा फेल होता है। जिसमें ठीक हो गया। वैसे जो हमने की में पढ़ा था उसने हमें दो लेटर बताए थे, वाओ और या। मैंने आपको वैसे अलिफ बता दी आसानी के लिए, ग्रामर के लिहाज से। चलो ठीक है, पढ़े फिर आगे। अब इन सब फेल के आप जो दूसरा लेटर देखेंगे ना, आइन वाले लेटर, उसमें अलिफ होगा या वाओ होगा या होगा, इन तीनों में से एक चीज लाजमी पाई होगी। ओके, इसलिए हम इनको फेल मुत्तलिल आइन कहते हैं। बस के एग्जाम्पल्स पढ़े आप। قال يقول he said and he is saying كان يكون كان يكون he was He was, yeah, it was. it was and يكون is it is Okay. Kun fire kun is a tana B and it is okay. Zara Yazuru he visited and then he is visiting Kama he stood and then Yakumu is standing Zaka Yazuku you said he tasted right? Yeah. Yes, he tasted. Tafa Yatufu. Is it Tawaf or what is Tafa? Yeah, usne tawaf kiya. He did tawaf. Sama Yasumu, he was fasting. And then Yasumu, he is fasting. Dara Yaduru. दार का मतलब होता है चक्कर लगाना किस चीज का, गिर्द चक्कर लगाना, टू मूव अराउंड, टू गो अराउंड, ठीक है, उसने किस चीज के गिर्द चक्कर लगाया। तौबा यतूबु ही आस्क सॉरी फॉर फॉरगिवनेस सर उसने तोबा की, ही रिपेंटेड। बाला यबूलु ही यूरिनेटेड। ही यूरिनेटेड। Zaa, he came and Yaji'u, he is coming. Correct. Okay, next, Ba'a and Yabi'u. Wow. He sold. Sold? He sold, he is selling. Sara and Yasiru. He walked. Walked. Walked, right? Yes, वो चला। He walked and he's walking. And
आशा यीशु he lived he lived and he is living kala yakilu he measured he measured he is measuring nama yanamu he slept he is sleeping khafa yakhafu Yakhafu is where? Khafa wo dara. He feared and he is fearing. Okay. And kada yakadu. He was about to. And iska mazi? Ye kada mazi hai na. He was about to. Muzare hoga. He is about to. Oh, okay. He is about to. Zala yezalu. Zala negative verb. ठीक है? Zala negative verb है. There is का मतलब है he seized, he stopped. वो कोई चीज़ उसने रोक दी. He stopped. Yezalu is stopping. यानी कोई चीज रुक गई नेगेटिव किस सेंस में इस्तेमाल होगा या उसने रोक दी ही स्टॉप्ड ये जालू ही स्टॉपिंग ही सीजिंग ओके अच्छा मिसन अब तो ये फेल मौत तलील आइन कौन सा होता है जो फाला के पैटर्न में जो आइन के प्लेस में अगर वाव अलिफ और या फिर या अगर हो तो फिल मौत अलील आइन होगा ठीक है नेक्स्ट अजवफ कहते हैं ना आपने बताया था अजवफ जैसा हमने अरबी उसमें पढ़ा एक तो मिसाल है और जो अजवफ है और जो है नाखिस का बिल्कुल तामिल मायली ऑब्जर्वेशंस बिलो Hamidun Kuala. Hamid said. Aminatu Khalat. Amina said. Anta Kulta. You said. Attullabu Kalu. The students said. Male students. Attalibatu Kulla. The students, female students said. Antum, Kultum, you all said masculine. Anti, Kulti, you feminine singular said. Anna, Kultu, I said. Antunna, Kultunna, you all, feminine, said. Nahnu, Kulna, we all said. ठीक हो गया। यहाँ basically आपको reason बता रहे हैं कि वैसे हमने ये सीखा था कि जो fail माजी का जो पहला letter होता है, उस पे हम फता डालते हैं। जैसे call के ऊपर फता है, call लत के ऊपर फता है, call के ऊपर फता है। लेकिन यहाँ पे हम बाकी देख रहे हैं कुल ना दम्मा है कुल तुम दम्मा कुलती कुलतू इसकी रीज़न वो बता रहे हैं आपको जो हमने कल ग्रामर में पढ़ी थी लेकिन वैसे ही याद कर लें छोड़ें इसको ठीक है okay. अगर कैसे तो मैं समझा देता हूँ लेकिन नहीं, कल हमने पढ़ा था ना आई थिंक वही डिटेल्स है कि बिना डिटेल्स है नॉर्मली अगर जो है खाला खालू खालत ये तीन ही है जो जिसमें जो है आप फतह लगाएंगे बाकी बाकी चीजों में जो है दम्मा हो जाएगा बिल्कुल आसान लफ्जों में जो गायब है
غائب کی جو کتنے سیگے ہیں؟ چھ. ان میں سے پانچ کے ساتھ ہم فتح لگاتے ہیں اور ایک کے ساتھ دمہ لگاتے ہیں، اور باقی جتنے بھی مخاطب اور متکلم کے سیگے ہیں ان کے ساتھ دمہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مخاطب اور متکلم کے جو سیگے ہیں ان کے ساتھ دمہ لگاتے ہیں ان فعل المعتل عین کے لیے، اور جو غائب ہے اس کے جو چھ سیگے ہیں ان میں سے صرف ایک کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں، باقی لیکن چلے خیر کوئی نہیں. بلکہ چھ میں سے ہم دمہ قلتا پہ بھی لگاتے ہیں، قلتم میں بھی لگاتے ہیں نا. قلنا چلے. اچھا جی، جو ہم نے گردانے ویسے ہم سیکھتے ہیں نا، ان کو ہم تین کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن، پھر ہوتا ہے تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن میں ہوتا ہے آئی، وی، جس کو متکلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متکلم. سیکنڈ پرسن میں کو ہم مخاطب کہتے ہیں، تھرڈ پرسن کو ہم غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. متکلم کے عربی میں ہم نے دو ہی سیکھے سیکھے، ایک ہوتا ہے انا اور دوسرا ہوتا ہے نا، ان کے میں اور ہم. ان کے ساتھ ہم جو یہ جو معتل العین والے فعل ہیں ان کے ساتھ ہم لگائیں گے دمہ، مخاطب کے ساتھ بھی لگائیں گے دمہ، مخاطب کے جتنے بھی سیکھے انتا انتی انتم ان سب کے ساتھ دمہ لگائیں گے. اوکے، اسی طرح انا نا جو پہلے لیٹر کے ساتھ دمہ لگائیں گے، جو معتل العین کے جو فیل ہوں گے نا ان کو جو پہلا لیٹر ہوگا اس کے ساتھ ہم دمہ لگائیں گے. ویسے ہم ماضی میں لگاتے ہیں، ہاں ویسے ہم فتح لگاتے ہیں، لیکن یہ جو فیل ہیں جو بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں جن کے درمیان میں الف واو یا ہوتا ہے، ان میں ہم فتح کے بجائے دمہ لگائیں گے. اوکے، اب غائب کے چھ سیگے ہوتے ہیں، چھ میں سے جو دو مونس کے لیے ہم بات کرتے ہیں، مونس کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی مونس جمع مونس کی، جمع مونس، جمع مونس کے لیے بے شک اس کو وہ غائب ہو یا دوسری ہو، اس کے ساتھ ہم دمہ لگائیں گے اور باقی سب کے ساتھ فتح لگائیں گے. تو خیر کوئی نہیں، اس کو ڈیٹ رٹا مار لیں گے انشاءاللہ، آسان رہے گا، رول سمجھنے سے بہتر ہے. تو دمہ صرف ایک کے لیے، بالکل. چلیں اس کی آپ گردان کریں کام، کی آپ کو اور پریکٹس ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ڈیڈ یاد ہو جائے گا. یہ جو لفظ کام ہے وہ کہہ رہے اسنین، اس کی گردان بنائے، اس کو جوڑیں، جوائن آن دا ورڈ کاما ود ادر پروناؤنس. نہیں زارا کے ساتھ نہیں جوڑنا، ان تین کاما کو آپ نے ضمائر یعنی پروناؤن کے ساتھ جوڑنا ہے. اسند اسند سوری اسند کاما وزارا وکانا الی الضمائر کما فی التمرین کما فی التمرین السابق. سو جوائن کاما اینڈ زارا اینڈ کانا to the pronouns, correct, like in the previous exercise. ٹھیک ہے جی، تو ہی اسٹور کا کیا ہوگا؟ ہی اسٹوڈ کام. ٹھیک ہو گیا. اب دو آدمی کھڑے ہوئے، دو آدمی ہو گئے تو خامانی اور کنت نہیں، تو پہلے جو پہلا لفظ میں نے لکھا نا کاما، یہ ایک آدمی کھڑا ہوا، یہ جو دوسرا میں لکھ رہا ہوں یہ دو آدمی کھڑے ہوئے. اوکے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک تو مطلب کا فرق ہے، پہلے میں ایک آدمی ہے، دوسرے میں دو آدمی کھڑے ہوئے.
दूसरा क्या फर्क है? तो एक तो वही, एक में अलिफ होगा तो एक्चुअली खामानी होगा, हम नून निकाल देते हैं ना। नहीं, नून नहीं है, नून का जिक्र ही नहीं हो, नून आप मुजारे में होता है, अभी हम माजी सीख रहे हैं। ओके, हाँ है। अच्छा ठीक तो नून वाला भूल अलिफ। जाए, ये ओके अलिफ ही है, तो एक अलिफ का फर्क है। प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क होगा दोनों की? सेम होगा और थोड़ा सा नहीं, लंबा करेंगे। हाँ माँ बिल्कुल, ये अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले फतह है, तो ये अलिफ मद्दा है, यहाँ पे हम दो अलिफ पढ़ेंगे, और यहाँ पे अलिफ नहीं है तो कामा, सिंपल कामा पढ़ा, इसमें मैं पढ़ूंगा कामा, तो सा लंबा कर दिया। ओके, अब ज्यादा से आदमी खड़े हुए, ज्यादा आदमी खड़े हुए दे राइट दे ऑल स्टूड। अगर मर्द हो गए तो कामू का मुंह आखिर में वो अलिफ आ गया, ठीक हो गया। अब एक औरत खड़ी हुई, एक औरत खड़ी हुई तो कामत कामत। दो औरतें खड़ी हुई, कुंती कुम, कामता, सिंपल ही होगा, क्या होगा? कामता, ड्यूल का आसान तरीका है, माजी में मर्द के लिए हम अलिफ अलिफ लगा देते हैं और औरत के लिए ता अलिफ लगा देते हैं, तो का माता। ओके, का माता। अब ये यहाँ तक अभी आपने पांच जमायर के साथ जोड़ा है, पांच मुझे सुनाए, और इन सब के शुरू में आपने क्या लगाया? फतहा। क्या लगाया? करता फतहा। ये फेल हुई था, मोतलिल आइन था, इसके दरमियान में अलिफ था, लेकिन फिर भी हमने फतहा लगाया ये पांच के लिए। ये पांच आप याद कर लें कि इनके साथ आपने फतह लगाना है शुरू में, मोतलुल बिल्कुल आइन के साथ। अब जो आगे हैं उनके साथ आपने फिर दम्मा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, अब ये आपने कहा ना दो औरतें खड़ी हुई, अब ज्यादा सारी औरतें खड़ी हुई, ज्यादा औरतें खड़ी हुई तो जो है कुमना करेक्ट, कुमना, सही हो गया। अच्छा, अब गायब के सारे सीखे छह के छह हो गए, ठीक है, छह में से पांच के साथ आपने फतह लगाया और एक के साथ आपने क्या लगाई? दम्मा। के हम आते हैं मुखातिब की तरफ। साथ पता लगाया ना हमने कामा और कामा। नहीं, सिर्फ एक के साथ हमने लगाया, दोबारा आप कर लें, दोबारा करें फिर आप ही स्टूड राइट कामा कामा। ही आप दे दो बोथ वर स्टैंडिंग कामा। यहाँ पे दो पता हो गए ना। लगा तो फतह ही है ना शुरू में, मेन चीज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, पहला पहला वावल डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला वावल क्या है? फतह, ठीक है, ये पता ठीक चैनी हुआ। है। अब दूसरे में तीन भी आदमी चेन खड़े नहीं हुए, हुआ। दो आदमी खड़े हुए दो का भी चेन नहीं हाँ हमारा ये है। हाँ अब जमा, ओके जमा जो है कामू इसमें भी फतह है, क्या है? फतह फिर। अच्छा, पांच में फतह एक में जो है दम्मा है ठीक यस, करेक्ट हो है। गया, ठीक है जी। ये गायब के सीखे थे, अब मुखातिब पे आ जाएं, आप खड़े हुए मर्द, मैं खड़ा हो गया खुद। ओके आना कुंतु नेक्स्ट ठीक है, हो गया। हम खड़े हो गया कुमना बस बाकी सबके साथ हमने दम्मा ही लगानी है, जो मुखातिब और मुतकलम के जितने भी सीगे होंगे ना, बाकी सारे के सारे मुखातिब और मुतकलम के, उनके साथ आपने दम्मा लगानी है, ठीक है जी। ओके ठीक। नेक्स्ट, आप खड़े हुए मर्द, मैं खड़ा हुआ भाई आना कुम तू मैं खड़ा हुआ और जो है आगे, अगर सब खड़े हुए हम सब खड़े हुए कुम ना ठीक हो गया, और जो आप मेल खड़ा हुआ सिंगल तो कुमता अगर ठीक सिंगल हो गया, फेमिनिन खड़ी हुई तो कुमती तो आप सब मर्दे खड़े हुए तो कुम तुम आप सब औरतें खड़ी हुई तो कुम तुन्ना अगर दो मर्द, आप दो मर्द खड़े हुए, कुम कुमता अलिफ लगा रहे कुम हैं ना कुम तुमा, कुम तुमा तुमा, ठीक है, वो गायब के लिए हमने सिर्फ अलिफ और ता अलिफ का लगाया था, अब यहाँ पे मुखातिब है तो इसमें मीम डालेंगे, कुम तुमा। अच्छा
और दो औरतें खड़ी हुई, कुमतुम्मा सेम है, कुमतुम्मा मर्द और औरत दोनों के लिए ये सीगा सेम है, कुमतुम्मा। ओके कुमतुम्मा। नेक्स्ट हो गया कुमतुन्ना। बस कुमतुन्ना जमा के लिए होता है, ठीक हो गया। अब जारा, तो पहले मुझे रूल बता दें कि यानी कि जो गायब के 6 सीगे हैं उनमें से 5 के साथ आपने फतह लगाने हैं, 1 के साथ दम्मा लगाने हैं, जबकि मुखातिब और मुतकलम के सारे सीगों के साथ आपने दम्मा लगानी है फेल मुतल आइन के शुरू में। ओके ओके। जारा, जारा, जारू, जारत। रुके, मैं आपको बताता हूँ, ठहरे। एक बंदा ही विजिटेड, विजिटेड जारा, आप दो आदमी, जारा, ज्यादा से आदमी, जारू, शी विजिटेड, शी विजिटेड जो है जारत, ज़ारत, आप दो औरतों ने विजिट किया, दो औरतों ने, दो औरतों ने ठीक हो गया। तो इन 5 के साथ हमने फतह लगाया। अब ज्यादा सारी औरतों ने विजिट किया, जुर्ना। जुड़ना अलिफ को भी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने विजिट किया, यू विजिटेड, जुर्तु, जुड़ता, आपने विजिट किया, जुड़ता। जुर्ता, राइट। मैंने अच्छा, जुर्तु, मैं आप जुर्तु, अपना हाँ बता दें, ठीक है जी। जुर्तु। आप दोनों ने विजिट किया, हम दोनों ने तो जो है जुर्ता हलीफ लगाना है, जुड़तुमा, जुर्तु। जुड़तुमा मुखातिब के लिए मीम भी इजाफा करते हैं, जुड़तुमा। आप सब ने विजिट किया, जुर्तुम, ठीक है जी, जुड़तुम। अब आप एक औरत ने विजिट किया, यू विजिटेड फेमिनिन। जुर्ती, आप दोनों औरतों ने विजिट किया, जुर्तुमा, आप सब औरतों ने विजिट किया, जुर्तुमना, मैंने विजिट किया, जुर्तु, और हम सब ने विजिट किया, जुर्तुन्ना, जुड़ना, जुर्ना, जुड़ना, जुर्ना। जुड़ना। तो दो चीजें आपने इसमें सीखी हैं, ये कि फत्ता दम्मा वाला लूर, और दूसरा ये चीज सीखी है कि जहां हमने दम्मा लगाया वहां से हमने जो मोतल आइन वाला लेटर था उसको भी हमने डिलीट कर दिया। तो ये दो चीजें आपने प्रैक्टिस की हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इकरामा एक खाना रहता है ना, काना, ओके। काना, काना, कानू, कानत, और जो है काना, कौन ना काना खाया, था, और देन आई थिंक उसके बाद कुन, कुन ना, दो नून आ जाएंगे, एक तो कुन्नई, कुन या इस फेल वाला और एक दूसरा मोनस वाला। कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, अगेन कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। कुन्ना, तो आप बताएं दो क्या चीजें आपने सीखी हैं इन फेल अफाल अल मोतल आइन के बारे में, एक फतह दम्मा वाला लूर, और दूसरा जब दम्मा लगेगी तो दरमियान वाला लेटर डिलीट कर देंगे। ओके, प्रैक्टिस हो गई है सही, नहीं, कल समझ आई थी इस चीज के बारे में, नहीं आई थी जब हम ग्रामर से पढ़ रहे थे। कल मैंने आज कोशिश यही की है कि बस सिंपल से सिंपल करके एक करूं ताकि आपको समझ आ जाए, तो चलो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मिसाना आपको इतनी नहीं आई थी जी।
समझ आ रहा है मुझे। ठीक है, दो चीज़ें आपने सीखी हैं बस यहाँ पे, कि जो पांच ज़मायर हैं गायब के, जो पहले पांच उनके साथ आपने लगानी है फतह, और बाकी सब के सब ज़मायर जितने भी हैं मुखातिब के, मुतकलम के, और गायब का जो एक ज़मीर बचा है उनके साथ आपने दम्मा लगानी है, और जब दम्मा लगाएंगी तो दरमियान वाला जो लेटर है उसका हम जो दरमियान वाले लेटर को भी आपने डिलीट कर देना है, जो आइन वाला लेटर है। ठीक है, ठीक है, अब आप इन्हीं तीन को, जैसा जुर्ना था ये वर्ड, थर्ड बिल्कुल पर्सन फेमिनिन प्लूरल, इसमें अलिफ बिल्कुल चलेगा अलिफ डिलीट कर जरा, लिया आपने, दम्मा जब जुर्ना आपने होगा। अलिफ अच्छा अच्छा डिलीट कर दिया। अब आप इन्हीं तीन फेल को जमाने के साथ जोड़ेंगे या कोई और फेल बताऊं? फेल तो यहाँ पे काफी ज्यादा लिखे हुए हैं, अच्छा तो आप कौन से तीन फेल को जोड़ेंगी जमायर के साथ? आप बताए कौन ये लिखा नहीं, कॉल आ तो सा लिखा, कॉल अलिफ आ, ठीक है, कॉल आ को जोड़ें फिर आप, जो लफ्ज कॉल आ है इसको जोड़ें। अच्छा, ही सेड की अरबी क्या होगी? या अच्छा अच्छा ही से हाला इज ही ठीक है, आप दो से आदमी, खाला ही से खाला टू ठीक, पीपल सेट दे एंड सेट ओके दे सेट विल बी खालू खालू कालू, दो दो देन खालत अब वन ही सेट वन को सेट, फेमिनाइन सेट ओके दो जो ओके, है नहीं मैस्कुलिन और फेमिनिन सेम ही है ना, काला ही है ना। ता का फर्क है बीच में, अभी ये मिसाना करेंगे ना, देखना ये ता का इजाफा करेंगे। ठीक है, मिसाना आप करें फिर, टू वुमेन सेड लता टू वुमेन सेट कॉलता, ठीक हो गया। अच्छा, दे उल्ला दे उल्ला फैम, इज दे सेट फेमिनिन ठीक है, इसमें अब आपने दम्मा लगाई और साथ ही आपने अलिफ को कर दिया, ठीक हो गया कुल ना। अच्छा जी, अब आता है मुखातिब, यू सेड, मुखातिब यू ओके सेड यू मैस्कुलिन सेट विल बी कुल टू कुलता। आई सेट ओके ये सेकंड अब क्या, पर्सन सेकंड पर्सन के लिए कुलता कुलता कुलता, अब यू बोथ सेड मैस्कुलिन है और कुलतुमा कुलतुमा, टू पीपल मास्कुलाइन कुल यस टू पीपल जो मास्कुलाइन एंड मैस्कुलिन, फेमिनाइन बोथ कुलतुमा कुलतुम यू ऑल सेड, यस कुलतुम यू ऑल सेड मास्कुलाइन प्लूरल ठीक है कुलती वन फेमिनाइन सेड ठीक है, कुलतुमा अगेन टू वुमेन सेड सेकंड पर्सन कुलतुन्ना ठीक कुलतुन्ना ऑल वुमेन सेड ठीक हो गया, आई सेड, आई सेड कुलतु ही ठीक है सेड कुलना ठीक हो गया। अच्छा जी, कान उन्होंने कर दिया था जारा यजू को, बस ठीक है, समझ आ गया मेरे ख्याल में। अगर चाहती हैं तो और कर जी लेते प्रैक्टिस, वरना आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करनी है आ और। ठीक गया समझ में है, थोड़ी बस जब भी आप आइंदा आइन के ऊपर देखें ना कि अलिफ है, वो है, या है, तो आपने उसकी इसनाद इस तरह करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए इकरामा अली, इकरामा अली जुर्नल मुदर्रिसल जदीदा अलबारी हतु बारी हता, जुर्नल मुदर्रिस जदीदा बारिया सो दी न्यू टीचर विजिटेड नो नो नो, देखिए मुदरिस के ऊपर फतह है, इसका मतलब है मुदरिस के ऊपर कोई एक्शन हुआ है, मुदरिस ने एक्शन नहीं किया। जुर्नल वी विजिटेड द न्यू टीचर लास्ट नाइट, यहाँ पे बारी हता क्यों हो रहा है लास्ट नाइट, बार यहाँ तक का मतलब है लास्ट नाइट, और उसके ऊपर फतह इसलिए है, ये जुड़ना ऐसा फेल है जिसको दो मफूल चाहिए, तो पहला मफूल तो मुदरिस हो गया और दूसरा जो मफूल है वो बारिया हो गया, ठीक बारिया का मतलब लास्ट नाइट सर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पर एक्शन हुआ है। हमको कहना है कि द टीचर विजिटेड अस तो कैसा उसको
फिर हम कहेंगे अल मुदर्रिसुल जदीदु जुर्नल बारिहाता, जदीदु यानी फिर अल मुदर्रिसुल जदीदु को शुरू में लिखेंगे, वो फाइल बन जाएगा, उसके ऊपर हम दम्मा लगा देंगे, आगे आ जाएगा अल मुदर्रिसुल जदीदु, फिर हो जाएगा जहा, फिर जुर जो होगा वो जारा में तब्दील हो जाएगा, जाराना, ठीक है, जाराना, जारनल बारिहाता। जारना, तो उस पर फतह आ जाएगा, जारना हाँ, जा के ऊपर फतह और बीच में अलिफ भी होगा, करना। लिख के दिखा दूं, देखने अल मुदर्रिसु अल जदीदु, यह फाइल हो गया। जारा, जारा का क्या मतलब होता है? ही विजिटेड, और अब उसने हमें जाराना, विजिट किया तो हमें की अरबी होगी ना, जारा ना अलबारिहाता। ओके, द न्यू टीचर इसमें विजिटेड अस लास्ट नाइट, ठीक हो गया। इसमें मफूल भी को नहीं है यहाँ पर, मुदरस मफूल भी को क्या, है। ये जो लफ्ज ना है ये मफूल भी ही है, अलबारिहाता भी मफूल भी ही है, दो इसमें भी मफूल भी ही है, बस ना क्योंकि वो है मबनी है इसमें, यानी कि ऐसा है इसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते ज्यादा, इसलिए हमने इसमें कोई हरकत चेंज नहीं की। इसमें ओके आपने जी, कर सकते मुदरिस में, मुदरिस में चेंज नहीं कर सकते, मुदरिस मुदरिस तो फाइल है और फाइल के ऊपर दम्मा ही रहती है, उसको हम फतह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो फाइल है, जो बुक में है वहाँ पे वो मफ़ूल था, इसलिए वहाँ पे आपने देखा था कि फतह लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा फाइल है, ठीक हो ठीक गया। है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह कल ये इसी को हम करेंगे, इसी सवाल को शुरू करेंगे, पांचवें सवाल को, ठीक है। इंशाल्लाह।